जी जाती थी अपने दादाजी के साथ, उनके दादाजी थे दूधा राम जी महाराज, और उनके साथ जब सत्संग में जाती थी तो संतों की मुख से सुनती थी, हाय कृष्ण ऐसे हैं, घूंघर वाले बाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, मुरली बजाते हैं, गोपियों के साथ रास करते हैं। तो मीरा कृष्ण की दीवानी हो गई। और वही मीरा 5 साल की आयु में, जब बच्चा कुछ नहीं जानता, वो मीरा कृष्ण को लेके गली गली एक तारा लेके घुमा करती थी। और बड़ा प्यारा सा भजन है, मीराबाई गा रही है, और मीराबाई कह रही है, प्यारे जब से आपका नाम भजा है ये जिंदगी ही बदल गई। मोड़ा नहीं, हम खुद ही आपसे दूर जाते रहे। मंदिर में बैठे रहते हो, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं तो रोज तेरे दर आती हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। प्रभु इतनी कृपा करना। ये मीरा दुनिया के लोगों के सामने गाती है, लोग कहते हैं पागल है, कोई कहता है दीवानी है, हर किसी का अपना लॉजिक है। किसी को हम पागल दिखाई देंगे, किसी को लगेगा जिंदगी बदलने के लिए भगवान का नाम गा रहे हैं। मीरा ने सोचा मुझे दुनिया क्या कहती है फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आप करते हैं जब भी लोगों को कुछ कहना होता है, आप नहीं भी करते जब भी लोगों को कुछ ना कुछ कमेंट करना होता है, इससे अच्छा आप अपनी जिंदगी में बढ़ते जाइए। लोगों की टेंशन करोगे तो वो आपका जीना आराम कर देंगे, इसीलिए अपनी मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। बोलो बांके बिहारी लाल की। इसीलिए लोगों का मत सोचना, इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जहां भी ठाकुर जी का नाम हो वहां चाहे 2 मिनट के लिए जाइए, बैठिए, भगवान से नजरें मिलाइए और फिर अपने घर जाइए। मीरा ने कहा, एक करके दर्शन प्रसन्न हुई और होया हृदय मेरी उजियाड़ा, ए मन पत्थर के मां दिया दिखाई मन मोहन किसी को मंदिर में बैठा भगवान नहीं दिखाई देता, और कोई पत्थर के अंदर भी भगवान को देख लेता है, ये भाव की बात है। करके दर्शन प्रसन्न हुई मैं, करके दर्शन प्रसन्न हुई, ओ हो जवानी में भगवान का नाम नहीं गाते। तब मीराबाई कहती, सुनो
लोक लाज कुल की मर्यादा तोड़ बगा दी सर की और कुटुंब कबीला त्याग दिया रे मन तो बड़ी भगत सुबह अपने घर के मंदिर से, क्योंकि माताएं घर में ज्यादा एक्टिव रहती है, ज्यादा काम करती है, तो छोटा सा टीका मस्तक पर जरूर हर भक्त को धारण करना चाहिए। लेकिन आजकल फैशन का जमाना है तो लोगों को थोड़ा टीका लगाने में शर्म आती है, लेकिन मीरा भाई कहती सोहनी सूरत उम्र है पाड़ी नहा धोके तिलक लगावे हवन मार जन गीता गायत्री गुण गोविंद के हमें कहते तुम ठाकुर जी के भक्त बनते हो जरा पी के दिखाओ तो घूट
लेकिन मीरा को जब पता लगा कि कृष्ण ने भेजा है तो आंखें बंद की और कृष्ण नाम लेके मीरा विष का प्याला पी गई, वही विष अमृत का प्याला बन गया। कहते ना भक्ति के अंदर शक्ति होती है। हे मीरा को तो फिर मोहन की जोत जला दी, मैं तो पी गई विष का प्याला। जाना मानस गायत्र मन ही से, मेरी मानस
मी, आपकी शादी हो गई? शादी हो गई है? अच्छा नहीं नहीं मैं तो पूछ रही हूँ, कोई बात नहीं, सिंगल है दीदी तो मीरा बोले। अरे तो अच्छी बात है, जो सिंगल है वही खुशी है, जो डबल है उन्होंने कैसे झंडे गाड़ दिए। मैं तभी सोचूं ये इतना खुश कैसे है, हैं वही आदमी वही खुश रह सकते हैं, बाकी तो सबके चेहरे में 12 बजे हुए, 12 नहीं 13 बजे हुए, ये इसीलिए खुश हो आप हैं, तभी रोके से हंसी नहीं रुक रही आपकी, देखा। तो मीरा भाई बोली हे हाँ, मीरा का तो पति वही, आप भी भगवान को समर्पित हो जाओ सच में, मीरा का तो पति बचपन का तेरी अखियों में पानी मीरा श्याम दीवानी, और इसीलिए कहा अरे मीरा का तो पति वही से, मीरा का तो पति एक है।